नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। हम वर्तमान समय में कुशीनगर जनपद में हैं और यहाँ फ्रेम में दिख रहा शख्स आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष है। सबसे बड़ी बात, जब किसी क्षेत्र में नए उभरते हुए पार्टियों की बात होती है तो विगत कुछ समयों में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और जिस तरह खासकर युवाओं के बीच उनके लोकप्रियता बढ़ी है, इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोग उत्साहित हैं। और कुछ समय पहले इन्हें आम आदमी पार्टी ने अपना जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। एक युवा के तौर पर राजनीतिक समझ क्या है, एक युवा के तौर पर उनके जनपद की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, एक युवा के तौर पर और एक जिला अध्यक्ष के तौर पर आने वाले नगर पंचायत चुनाव की रणनीति क्या होगी, सबसे बड़ी समस्याएं जनपद की क्या हैं और राजनीतिक एजेंडे पे चुनाव होता है या नहीं होता, इन सारे विषयों पर बात करेंगे। और इस विषय पर भी बात करेंगे कि पहले कुछ ही समय पहले जन्मी ये पार्टी आज एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, उसको लेकर इन लोगों में किस तरह का उत्साह है और किस तरह की कार्य योजना बनाई जा रही है। तो फ्रेम में आपके साथ हैं अजय यादव जी, इंजीनियर अजय यादव के नाम से जाने जाते हैं और यह आम आदमी पार्टी कुशीनगर के जिला अध्यक्ष हैं। अजय जी, सबसे पहले तो कुशीनगर में जिला अध्यक्ष के रूप में आप काम करते हुए 4-5 महीने समय हो गए आपके, आपको क्या लगता है कि राजनीति कुशीनगर में किस तरह की है? देखिए, कुशीनगर की जो राजनीति है, आज कुशीनगर में भी युवा पढ़े लिखे हैं, काफ़ी युवाओं का जो एक समूह है वह पढ़ लिख रहा है और युवा यह चाहता है कि हम धर्म विशेष की राजनीति, जाति के राजनीति से ऊपर उठ के हम अपने देश के, राष्ट्र के तथा लोकल मुद्दों की बात करें। तो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करती है। तो ये युवाओं का मोटिव के तहत आम आदमी पार्टी में युवाओं का रुझान काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। जब से मैं आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष बना हूँ तब से लेकर आज तक हम लोगों ने लगभग इस पूरे कुशीनगर ज़िले में कम से कम नियर अबाउट के 2500 के आसपास कार्यकर्ता बना लिए हैं, जो हमारे सभी प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष हैं। सभी नगरों में, चाहे नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, सब में हमारी टीम की अपनी इकाई जो बनती है वो बना के तैयार कर दी गई है। यहाँ तक कि हम लोग बूथ लेवल तक जा रहे हैं। तो हम लोग जगह जगह जा रहे हैं तो लोगों में काफ़ी सारा प्यार और उत्साह मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी वाले आ गए हैं, हम लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे, ये मोटिव है अपने जिले का। कुशीनगर जनपद भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है और एयरपोर्ट का शुभारम्भ हुआ, विकास की कुछ योजनाएँ हैं, 23 का शुरुआत हो चुका है और इसी से माना जा रहा है कि जो वर्तमान नगर पंचायत चुनाव होने वाले हैं वो जब भी हों तो वो 24 का क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, जो भी लोग कहते हैं, एक आम बोलचाल की भाषा में वैसा है, तो किस तरह की तैयारी है आपका नगर पंचायत चुनाव को लेकर? देखिए, आप सभी नगर पंचायतों में अगर बात देखिए, चाहे नगर पालिका हो या नगर पंचायत, आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी नगर पंचायतों में, जैसे दिल्ली के MCD के चुनाव ले लीजिए, वहाँ से MCD के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भाजपा को बुरी तरीके से हरा दिया और उसका मोटिव ये रहा कि अभी नगर पंचायत और नगर पालिका में UP में भी चुनाव होने वाले हैं। बिना आरक्षण का चुनाव कराया जा रहा था, जिसको आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को काफ़ी मजबूती से उठाया। अब इसके उठाने का परिणाम रहा कि सरकार जागृत हुई और सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप आयोग बनाओ और आयोग बनाने के बाद आप आरक्षण लागू करके चुनाव कराओ। तो नगर पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, सभासद या पार्षद जो भी हैं सब में चुनाव लड़ेंगे और हमें विश्वास है कि नगर पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी नगर पंचायत के लोकल मुद्दों पर लेकर काम कर रही है। उस लोकल मुद्दों का ये देना है कि आम आदमी पार्टी के सभी जो भी प्रत्याशी हैं उनका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनको अपने वहाँ बुला रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी को इस पर वोट देंगे। एक आरक्षण जो सबसे कॉमन है, वो जिसको लेकर हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते हैं, वो है महिला आरक्षण का। पार्टियों में पद जब सृजित किए जाते हैं, जिलाध्यक्ष, महिला जिलाध्यक्ष, तो उसमें महिला नेताओं को वरीयता मिलती है, लेकिन जब टिकट आवंटन की बात आती है, वो ढेर सारी प्रचलित पार्टियां हैं या पुरानी, तो उसमें जो प्रचलित नेताजी हैं, अगर महिला सीट हो गई तो उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनकी मौसी, मतलब उनके रिलेटिव को टिकट आवंटित किया जाता है। ये हर जगह देखा जा रहा है, भले वो राजनीतिक तौर पर एक्टिव हों या न हो। तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान राजनीति में महिलाओं की भागीदारी किस तरह सुनिश्चित की जा सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी में जो आवेदन की प्रक्रिया है वह त्रिस्तरीय चुनाव, मतलब आवेदन की प्रक्रिया है। इस आवेदन प्रक्रिया में आम आदमी पार्टी में कोई भी, जहाँ जो सीटें हैं वो हैं,
हम लोगों ने जहाँ से पुरुष साथी हमारे लड़ रहे थे, यह स्वभावतः बात है कि उनकी महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था में आप जिलाध्यक्ष के पास आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि जिलाध्यक्ष के पास आवेदन नहीं करता है तो हमारे प्रांत के अध्यक्ष हैं, वहाँ जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, और अंतिम में आप लखनऊ कार्यालय पर प्रदेश कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। और तीनों में त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था में ये देखने के बाद सबका आवेदन फॉर्म इकट्ठा किया जाएगा, उसमें जो सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा, जिस पर कोई दाग नहीं होगा, मतलब आम आदमी पार्टी का सबसे पहला मोटिव यही है कि हम वही प्रत्याशी उतारेंगे जिसके में कोई दाग न हो, जिसके पे कोई FIR ना हो, जिसके व्यवहार अच्छे हों, लोगों में पकड़ अच्छी हो, वह साफ स्वच्छ छवि का व्यक्ति हो, उम्मीदवार हो, उसको हम लोग टिकट देंगे। और यह नहीं है कि हम उन्हीं को टिकट देंगे, हमारे वहाँ कोई भी आवेदन कर सकता है और उसके छवि साफ होनी चाहिए, हम उसको टिकट देंगे। जब भी किसी क्षेत्र में युवाओं की बात होती है, आप एक युवा हैं, तो युवाओं के समक्ष सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। रोजगार पर शिक्षा के ढेर सारे केंद्र हैं, सबसे पहले तो युवा शिक्षित होगा तो रोजगार की तरफ जाएगा। तो आपको क्या लगता है कुशीनगर में कौन कौन से केंद्र हैं और क्या क्या और संभावनाएं हैं कुशीनगर? देखिए, कुशीनगर में हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ जो शासन अभी चल रहा है उनको चाहिए कि विकास के कुछ काम हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुशीनगर में हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था करा सकते हैं। मेडिकल कॉलेज जो पारित हुआ है उसको काफ़ी तेज़ी से हम काम करा के और यहाँ पे रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे ITI कॉलेज खोल सकते हैं बच्चों के लिए रोजगार के। देखिए, पढ़ने के साथ साथ टेक्निकल शिक्षा बहुत आवश्यक है, और टेक्निकल शिक्षा रहेगी तो युवा खुद स्वतः रोजगार अपना उत्पन्न कर सकता है। हमारे जो शिक्षा मंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी हैं, उनका जो मॉडल है शिक्षा मॉडल, वो पूरे देश में प्रचलित है, आप देख ही रहे हैं। वहाँ अपने बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ एक टेक्निकल शिक्षा भी दी जाती है ताकि युवा वहाँ आगे आए और अपना रोजगार करें। जैसे दिल्ली का मॉडल है शिक्षा में, उसी प्रकार से अगर हमारी उम्मीदवारों को यहाँ के लोग जिताते हैं तो हम प्रयास करेंगे कि वहाँ के मॉडल को यहाँ पे लागू किया जाए। इस तरह की राजनीतिक परिचर्चा एक व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत एक युवा के तौर पर, आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ समय में राजनीति किस तरह की होगी? देखिए, आने वाले समय में अपने देश में शिक्षा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, और हर व्यक्ति, चाहे वह मजदूर हो या बड़ा व्यक्ति हो या मध्यम वर्गीय व्यक्ति हो, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। लेकिन ये बड़े दुख के साथ ये कहना चाह रहे हैं कि जो वर्तमान की सरकार है वह कहीं ना कहीं शिक्षा पे ज़्यादा बजट नहीं खर्च करती है, और आदमी पढ़ाना चाहता है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है, तो ये बहुत बड़ा मतलब मोटिव लोगों में जा रहा है, और कहीं ना कहीं लोग आम आदमी पार्टी के प्रति झुकाव दे रहे हैं कि कम से कम आम आदमी पार्टी शिक्षा को आगे लेके चल रही है। तो निश्चित रूप से हमारा जो मोटिव है उसको देख के लोग हमारे तरफ जुड़ रहे हैं, और हम शिक्षा पे विशेष काम, मतलब सबसे बड़ी बात है कि बजट का लगभग 20-25% दिल्ली में शिक्षा पे खर्च होता है। हम चाहते हैं यूपी सरकार से भी कि कम से कम जितना हमारा बजट है उसे 25-30% यूपी में शिक्षा पे बजट खर्च हो, ताकि बच्चा आगे बढ़े और पढ़े। आपने समय दिया, बात किया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष, आप इनके विचारों से कितने सहमत हैं? और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी नया दल किसी क्षेत्र में आता है तो अपने विचार, अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच जाता है। आपको क्या लगता है कि इनके विचार, इनके एजेंडे कितने कारगर हैं, और कुशीनगर जनपद में आम आदमी पार्टी किस जगह पहुँच सकती है, और क्या आम आदमी पार्टी को आने वाले नगर निकाय चुनाव में दिल्ली जैसी सफलता प्राप्त होगी? इन सारे विषयों पर आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय हम तक पहुँचाएँ, और जुड़े रहें हमारे साथ इस तरह की ढेर सारी खबरों के लिए। आपके अगल बगल भी कुछ ऐसी स्टोरीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, व्यक्तिगत परिचय के साथ आप हमें बता सकते हैं, और हम उनसे भी मुखातिब होंगे, उनसे आपकी बात करवाएंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस विशेष क्षेत्र में क्या हो रहा है। इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।